तो कल से ही कमेंट आ रहा है मेरे पास मेरे चैनल पर कि हमारे लिए इंग्लिश मीडियम का वीडियो दे दो क्योंकि तो आपका अठारह तारीख को पेपर रहेगा एंशियंट हिस्ट्री का तो दोस्तों हिंदी मीडियम के लिए तो कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पर लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इस वजह से मैं आज का वीडियो आपके लेकर आया हूँ और आज के वीडियो में हम आप लोगों की डिमांड पर मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम में सारे क्वेश्चंस को समझाऊंगा यूनिट वन के तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो तो नो डाउट आप कमेंट करके बता दीजिएगा और इसी के साथ अगर आप नए इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपके लिए हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रियव्रत सिंह तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो तो यूनिट वन लिखा हुआ स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मीनिंग नेचर एरिया एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री आपके लिए जो हिस्ट्री है उसका मीनिंग बताना है डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए देनी है आपके लिए उसका नेचर बताना है कि हिस्ट्री का नेचर कैसा होता है एरिया बताना है आपको हिस्ट्री का क्षेत्र क्या है और आपके लिए इम्पोर्टेंस बतानी है हिस्ट्री की तो क्वेश्चन एक बातें अनेक आपके लिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं सो डोंट बी कन्फ्यूज अबाउट दिस आराम से इस चीज़ को समझ लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें करेंगे तो लिखा हुआ है राइट अबाउट द सोसेज ऑफ एंशेंट इंडियन हिस्ट्री जो एंशेंट इंडियन हिस्ट्री उसके सोर्सेज क्या हैं सो देआर आर मेली टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज द फर्स्ट इज मटेरियल सोर्सेज एंड द सेकेंड इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ये स्क्रीन पर मैं आपके लिए बिल्कुल थोड़ा बहुत लिख पा रहा हूँ बिकॉज स्क्रीन मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऐसी हो पाती है तो मटेरियल सोर्सेज है फर्स्ट सेकंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इन्हीं के बेसिस पर पूरा हिस्ट्री बना हुआ है तो आप सोर्सेज में ये लिख सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों कि क्वेश्चन आपके लिए कैसा आता है अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है नाइन मार्क्स का अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है फिफ्टीन मार्क्स का सो यू हैव टू एलेव दिस आपके लिए इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो एक्सप्लेन कीजिए सो एस आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो हिंदी मीडियम का जो वीडियो था मैंने उसमें आपको बताया था ज्योग्राफिक लोकेशन से इन द सेंस कि आप पूरे भारत का जो नॉर्थ है साउथ है वेस्ट है ईस्ट है उसके अकॉर्डिंग इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हो आप बता सकते हो कि इन द नॉर्थ साइड इंडिया इज़ हैविंग इन द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आप ऐसा लिख सकते हैं ओके अलोंग विद द वेस्टर्न कॉरिडोर अलोंग विद द वेस्टर्न बॉर्डर देयर इज़ अ कंट्री नेमली एज पाकिस्तान इन द ईस्टर्न एरिया देयर इज़ अ बांग्लादेश भूटान म्यांमार इन द नॉर्दर्न साइड देयर आर निगवर्स ऑफ चाइना नेपाल एंड सो ऑन तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो इन द साउथ इज श्रीलंका ना ही तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो आप कुछ ये क्लियर हो जाएंगी थोड़ा सा आप और देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा होगा राइट अबाउट कल्चर्स ऑफ द पेरो पीरियड द मैसोलिथिक पीरियड एंड द मिनियोलिथिक पीरियड तो आपके लिए इन तीनों पीरियड्स के जो कल्चर्स हैं वो बताने हैं पेरोथिक पीरियड मैसोलिथिक पीरियड न्योलिथिक पीरियड से मतलब कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पर पत्थर होते थे तो उस पीरियड को बोलते हैं इसको हिस्टोरियंस ने कैटेगराइज करके आपके लिए बताया है चलिए आगे बढ़ते हैं हाउ द ऑरिजिन एंड एक्सपांशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टेक्स प्लेस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ऑरिजन कैसे हुआ पहले आपको ये बताना है और सेकेंड इसका एक्सपांशन कैसे हुआ तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू नीड टू फोकस ऑन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द कॉजिज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके डिक्लाइन के कॉजेज़ आप लिए बताना है कि वो डिक्लाइन हुआ तो वो कैसे हुआ क्या कारण थे उसके तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों फिफ्थ और सिक्स्थ बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन वर्ल्ड वॉज द इकोनॉमिक्स सोशल एंड रिलीजियस लाइफ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली के लोगों की किस तरह से लाइफ थी वो 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 आपके लिए बताना है रिलीजियसली वो लोग कैसे रहते थे सोशली वो लोग कैसे रहते थे इकोनॉमिकली वो लोग क्या एक्टिविटीज़ करते थे सो यू हैव टू मैंशन ऑल दीज थिंग इन यूअर आंसर कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ वॉज द टाउन इस्टिमेशन प्लान इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड राइट अबाउट द न्यू सेंटर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह से टाउन इस्टीमेशन प्लान था वो आपके लिए मैंशन करना है और साथ में न्यू सेंटर्स क्या हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो आपके लिए बताना है जैसे न्यू सेंटर्स की बात करूँ तो एक न्यू सेंटर था आपका अभी रिसेंट में उसका पता चला है दैट इज़ राखी गढ़ी इस तरह से आपको लिखना है एक नया नगर था कालीबंगन जो राजस्थान में जिसके बारे में पता चला हुआ है तो ऐसे कई तरह से आप मेंशन कर सकते हो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ इन द वैदिक पीरियड अब यहाँ पर वैदिक पीरियड के दो क्वेश्चन मैंने आपको अरेंज करके दिए हैं कि वैदिक पीरियड की सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलीजियस लाइफ कैसी होती थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है और टेंथ क्वेश्चन है हमारा वट वॉज द लेटर वैदिक पीरियड वैदिक पीरियड के बाद जो टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं तो लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं उसको तो वो क्या था उस टाइम की भी पोलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ कैसी थी वो आपके लिए बताना है तो दोस्तों ये था आज का शॉर्ट वीडियो जिसे मैंने आपके लिए कोशिश की कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता सकूं जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे आप और अपने लेवल पर कर सकते हैं दोस्तों देखिए मैं बार बार बोलता हूं मैं केवल आप लोगों के को लिए क्वेश्चन बता सकता हूं मैं आपसे श्योर नहीं बोलूंगा कि यही सेम टू सेम दस के दस क्वेश्चंस आ जाएंगे हो सकता है इनमें से दो क्वेश्चन आ जाएँ तीन क्वेश्चन आ जाएँ चार क्वेश्चन भी आ सकते हैं और पाँच भी आ सकते हैं क्यों क्योंकि देखिए हम लोग पेपर नहीं बनाते हैं पेपर आपका यूनिवर्सिटी से आता है तो यूनिवर्सिटी किस तरह से क्वेश्चन को घुमा पूछती है ये आपको डिसाइड करना है सेकंड थिंग दोस्तों क्वेश्चंस बहुत सारे कई बार एक से भी आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि पेपर में केवल चार क्वेश्चन आए दो क्वेश्चन आए तो देखिए कंडीशन होती है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे समझते हो भाई मैंने आपके लिए अगर आप इन क्वेश्चन को देखें तो मैंने आपको की दिए हुए हैं अगर आप उन की को देखकर यह ध्यान रखें कि अच्छे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो आप उस रिलेटेड पढ़ लो आप आराम से कर लो कोई दिक्कत नहीं है इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में यूनिट टू लेकर आऊँगा तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ट्विटर पॉलिस जय हिंद जय जै भारत